पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर आज बिजनौर में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर दर्जनों राष्ट्रीय लोक दल के नेता व कार्यकर्ता इकट्ठा होकर शहर की सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को गुड़ खिलाकर खुशी मनाई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की थी। शनिवार को चौधरी चरण सिंह के पोते राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से बिजनौर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नजीबाबाद रोड पर आने जाने वाले राहगीरों को गुड़ खिलाकर उनका मुंह मिठा कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान आकाश, विनीत राणा, फैजल, राजेंद्र सिंह, हिमांशु, सत्येंद्र राठी, शिवम, महावीर सिंह, हरवीर सिंह, पूर्व विधायक सुखवीर सिंह, आशु राणा, अनुराग, सुशील, संजीव चौधरी आदि दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मुझे दिल्ली में जो है भारत सरकार द्वारा आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जो सरकार द्वारा गरीब गांव किसान के दिलों में बसने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा जी को मतलब एक देश के जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया था, आज उन्हें मान लिया है जयंत चौधरी साहब को हमारे राष्ट्रीय, तो उसकी खुशी में आज यहाँ बिजनौर में उपलब्ध में तो यहाँ आज जो मिठाइयाँ बांट के खुशी मनाई है और ये आज देश के किसान के लिए बेहद खुशी का पल है। इसलिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बार बार धन्यवाद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।